पीटीआई पर पाबंदी के मामले पर संजीदगी से सोच रहे हैं, मवाद मौजूद है। वफाक की वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं रेफरेंस दायर करने से पहले सियासी कानूनी पहलुओं को देखा जाएगा। बानी पीटीआई रिहा होते नजर नहीं आ रहे, नहीं लगता आवाम पीटीआई के धरने में शामिल होंगे। सेनेटर फैसल वाबड़ा की आज न्यूज के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू, कहा पीटीआई का आईएमएफ को लिखा गया खत मुल्की मफाद में ठीक नहीं था। आईएमएफ को खत और मुआहदे की वजह से महंगाई उरूज पर है। पंजाब असेंबली 18 करोड़ की गाड़ियां खरीदने के फैसला, स्पीकर की जेर सदारत फाइनेंस कमेटी ने मंजूरी दे दी। स्पीकर के लिए 10 करोड़ की इंपोर्टेड लैंड क्रूजर, डिप्टी स्पीकर के लिए 2.25 करोड़ की फॉर्च्यूनर खरीदी जाएंगी। सिक्योरिटी असेंबली के लिए भी फॉर्च्यूनर ली जाएंगी। 3 करोड़ के 2 वीगो डाले भी स्पीकर की सिक्योरिटी के लिए खरीदे जाएंगे। कौमी असेंबली का कोई मुलाजिम सियासी सरगर्मी का हिस्सा बनेगा, न ही डिजिटल मीडिया के जरिए झूठी खबरें फैलाएगा, कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने वाजह कर दिया। जारी सर्कुलर में कहा गया सरकारी मालूमात गैर मजाज अफराद को फराहम नहीं की जाएंगी। रिटायर्ड मुलाजमीन पर भी कवानीन और कवायद और जवाबत की पासदारी पर जोर।